अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, होपफुली यू आर फाइन। ओके जी, टेक आउट योर उर्दू बुक एंड पेज नंबर 83। आज का जो हमारा टॉपिक है, अम्मी को क्या हुआ। ओके, अलिफ मीम अम मीम छोटे मी अम्मी, काफो को अम्मी को, काफ ये अलिफिया क्या, हे वो हो अलिफ हुआ, अम्मी को क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। अलिफ मीम अम मीम छोटी मी अम्मी, काफो को अम्मी को, बे खेलिफार रिसाकिन बुखार, हे बढ़िए है अम्मी को बुखार है, अलिफ बे अब, काफ यलिफिया क्या, अल अब क्या, हे वो हो गाफ अलिफ गा होगा, क्वेश्चन मार्क, अब क्या होगा। सीन बे सब, काफो को सब को, नून अलिफ ना, शीन ते है ता नाश्ता, के वो को नून सकिन कौन, सबको नाश्ता कौन, दाल बड़ी दे गाफलिप का देगा, सबको नाश्ता कौन देगा। सीन का वाओ लाम सकिन स्कूल, काफलिफ का स्कूल का, काफलिफ का मीम सकिन काम, काफो को नून सकिन कौन, स्कूल का काम कौन, काफरे कर वाओ लिवा करवा, हमजा बड़िए ये करवाए, काफलिफ गा करवाएगा, क्वेश्चन मार्क, ना सबको नाश्ता कौन देगा, स्कूल का काम कौन करवाएगा। अच्छा जी, ये वन क्लास अम्मी है, इन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है क्योंकि इनको बुखार हुआ है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ये इनके बच्चे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं कि सबको नाश्ता कौन देगा, स्कूल का काम कौन करवाएगा, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सबको नाश्ता कौन देगा और स्कूल का काम कौन करवाएगा। ये पूछ रहा है अपनी बहन से कि सबको नाश्ता कौन देगा और ये पूछ रही है कि स्कूल का काम कौन करवाएगा। चले जी, अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। शीन अलिफ शाम मीम सकिन शाम, हे वा हु हमजा छोटिये ही, हुई शाम हुई, ते वा तो शाम हुई तो, अलिफ बे अब, बे वा अबू अबू, शाम हुई तो अबू, दाल फे ते रे सकिन दफ्तर, शाम हुई तो दफ्तर, सीन बढ़िए से गाव हेरे घर, शाम हुई तो दफ्तर से घर, अलिफ मद्दा हमजा बढ़िए ही आए, शाम हुई तो अबू दफ्तर से घर आए, वाओ हे वो अलिफ मीम अम मीम छोटी अम्मी अम्मी, वो अम्मी, काफो को डाल अलिफ काफ, डाक टेरेटर डॉक्टर, वो अम्मी को डॉक्टर, काफ बढ़िए के डॉक्टर के, पेलिफ पास सीन साकिन पास, लाम बढ़िए ले पास ले, गाफ हमजा बढ़िए ये गए, वो अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। नून अलिफ ना, नून छोटी नी नानी, जीम छोटी ये जी जी नानी जी, नून बढ़िए ने नानी जी ने, सिन बे सब नानी जी ने सब, काफो को सब को, काफ हेलिफ हा नून साकिन खाना, नानी जी ने सब को खाना, काफ हे लाम अलिफ ला खिला, ये लिफिया या खा खिलाया, नानी जी ने सबको खाना खिलाया। अच्छा जी, इसमें बता रही हैं कि अम्मी की जो अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको बुखार हुआ हुआ, तो अब्बू शाम को दफ्तर से घर आए तो वो इनको डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। ठीक है, डॉक्टर के पास लेके गए तो नानी जी ने जो है सबको खाना खिला दिया। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा दादा जी छोटी ये जी, दादा जी, नून बढ़िए ने दादा जी ने, सीन काफ वाओ लाम सकिन स्कूल, काफ अलिफ का मीम सकिन काम, दादा जी ने स्कूल का काम, काफरे कर वाओ अलिफ वा करवा, ये अलिफिया करवाया, दादा जी ने स्कूल का काम करवाया। सीन बे सब, नून बढ़िए ने सब ने, अलिफ मीम अम मीम छोटी मी अम्मी, काफ अलिफ का खे ये लिफिया ख या, लाम सकिन ख्याल, रे काफ ये लिफा रखा, सब ने अम्मी का ख्याल रखा, अलिफ मीम अम मीम छोटी अम्मी अम्मी, नून बढ़िए ने अम्मी ने, हे वाओ हो बेसा किन खूब, अलिफ मद्दा रे अलिफ रा मीम सकिन आराम, काफ ये लिफिया किया, सब ने अम्मी का ख्याल रखा, अम्मी ने खूब आराम किया। अच्छा जी, दादा जी ने स्कूल का काम करवा दिया बच्चों को, ठीक है, और नानी जी ने खाना खिला दिया, अम्मी जो थी वो बीमार थी तो उन्होंने अपना ख्याल रखा, ये मेडिसिन्स पड़ी हुई अम्मी की, ठीक है, दवाइयां खा के खूब आराम किया। जब हम बीमार होते हैं तो आराम करते हैं तो ठीक हो जाते हैं ना जल्द से जल्द,
इसी तरह अम्मी ने भी जो है अपना ख्याल रखा और बहुत आराम किया, खूब आराम किया। ये देखें सो रही है ना, ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अलिफ गाफ अग लाम बड़ी के लिए अगले दाल नून सकिन दिन अगले दिन अलिफ मीम अम मीम छोटी अम्मी अम्मी ठीक ठे है ये काफ सकिन ठीक है वो हो अगले दिन अम्मी ठीक हो गाफ हमजा छोटी ये नून गुन्ना गई अगले दिन अम्मी ठीक हो गई। अच्छा रे अम्मी ठीक हो गई, देखें बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है ना, आराम किया उन्होंने तो। अब आ जाए जवाब दें। अम्मी को क्या हुआ था? अम्मी को बुखार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्मी को डॉक्टर के पास कौन लेकर गया? अब्बू। अम्मी को कौन लेकर गया था? अब्बू। स्कूल का काम किसने करवाया? दादा ने। स्कूल का काम दादाजी ने करवाया था ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? दादा। चले जी आ जाए नेक्स्ट पेज पर आ जाए, लव्स बनाए। अच्छा जी जोड़ तोड़, ठीक है ये हमारे पास तोड़ में मौजूद है, ठीक है हमने इनका लव्स बनाना है, तो क्या बनेगा? अच्छा अलिफ मीम अम मीम छोटी अम्मी अम्मी, क्या बन गया ये? अलिफ मीम अम मीम छोटी अम्मी अम्मी, यहाँ हम लोग लिखेंगे अम्मी। ओके नेक्स्ट अलिफ बे अब बे वबू अब्बू, यहाँ पे हम लोग इसका जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अब्बू, यहाँ पे लिखेंगे अब्बू। नून अलिफ ना नून छोटी है नी नानी, यहाँ पे हम लोग नानी लिखेंगे। अच्छा दाल अलिफ दा दाल अलिफ दा दादा, चे अलिफ चा चाचा, खे अलिफ खा लाम हेला खाला, मीम अलिफ मा मीम व मून नून गुन्ना मामू। डन वन क्लास। ओके जी नेक्स्ट आ जाए, अल्लाह ताला ने हर चीज के जोड़े बनाए हैं, इनको मुजक्कर और मोनिस कहते हैं। मसलन लड़का मुर्गा अहमद मुजक्कर हैं और लड़की मुर्गी निदा मोनिस हैं। ठीक है अल्लाह ताला ने जो है ना हर चीज के जोड़े बनाए हुए हैं, ठीक है जैसे कि लड़का का जो है मोनिस क्या होता है? लड़की। मुर्गा का मोनिस क्या होता है? मुर्गी। अहमद का मोनिस क्या होगा? निदा। इसी तरह नीचे गए दिए हुए रिश्तों को मुजक्कर और मोनिस के खानों में लिखें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे अल्लाह ताला ने हर चीज के जोड़े बनाए होते हैं, मुजक्कर मोनिस भी सेम इसी तरह ही है। मुजक्कर में जो है लड़का आ जाएगा, उसी का मोनिस लड़की हो जाएगा, मुर्गा मुर्गी। जैसे कि अम्मी अबू, अम्मी क्या है? मोनिस हो जाएगा। अबू क्या होंगे? मुजक्कर हो जाएंगे। इसी तरह दादा दादी भी, दादा क्या होंगे? मुजक्कर में आएंगे। दादी क्या होंगी? मोनिस में आएंगी। इसी तरह अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास ये बना हुआ है चार्ट, सही है। इसमें हम लोगों ने देखना है कि मुजक्कर कौन कौन से और मोनिस कौन से हैं। अबू क्या है? अबू है मुजक्कर। नाना क्या है? मुजक्कर। अम्मी क्या है? मोनिस। इसी तरह ताया क्या है? मुजक्कर। ताई क्या है? मोनिस। नानी क्या है? मोनिस। चाचा क्या है? मुजक्कर। खाला क्या है? मोनिस। खालू क्या है? मुजक्कर। दादा क्या है? मुजक्कर। चची क्या है? मोनिस। दादी क्या है? मोनिस। इसी तरह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मुजक्कर में क्या है और मोनिस में क्या है। अच्छा जी यहाँ से देख के हम लोगों ने लिखना है, मुजक्कर में जो है नाना लिखा हुआ है, उसका मोनिस नानी होते हैं, ठीक है। इसी तरह अब्बू, अब्बू के मोनिस क्या होगा? अम्मी। ताया ताई, चचा चची, दादा दादी, ठीक है डन। ओके जी नेक्स्ट पेज जो है ये आप लोग का वन क्लास होमवर्क है, आप लोगों ने बहुत नीट और क्लीन करना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की सबकी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।